फवाद चौधरी साहब फुल फ्लैज पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन में उतरेंगे? फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के सवाल आपने उनसे करने हैं, मेरे से नहीं करने हैं। मेरे से आपने कानूनी बात कैसा राज है जिस पे अभी बात नहीं खुलेगा, इस पे पर्दा रहने दो। चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं हालात पॉलिटिकल? चौधरी परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे खान साहब। परवेज इलाही साहब को मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, साबिक वज़ीर आला हैं, उनकी वो एजेड भी हैं, बीमार भी हैं, और मेरे मैं दुआगो हूँ उनकी सेहत के लिए, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें, और यही उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। अच्छा, आप जो सब फ्रंट फुट पे रहे हैं लीगल टीम में खान साहब की, तो आजकल नज़र नहीं आ रहे मंजर से गायब? सर वो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो मैं नहीं कर रहा, जो केसेस करना होता वहीं पे भी आते हैं, और मामला जो है वो केसेस की हद तक जो है हमेशा करते रहे, और जो दूसरे केसेस हैं उनका वो आई थिंक आ गए हैं आजकल। हमारे पास जरा दूसरी किस्म के मैटर्स थे, जब आएंगे देखेंगे। आज किस सिलसिले में पेश हुए हैं? आज ही इधर एक केस था फवाद साहब का, इलेक्शन कमीशन की जो कंटेम्प्ट पावर्स उनको चैलेंज किया, तो वो आज फुल बेंच के सामने था, तो वो केस लगा है, उसमें कुछ कागजात हम जमा मजीद कराएंगे, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। तो फवाद चौधरी साहब फुल फ्लैज पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन में उतरेंगे? फवाद चौधरी साहब के सवाल आपने उनसे करने हैं, मेरे से नहीं करने हैं। मेरे से आपने कानूनी बात करनी है, सियासी में सियासत में मैं अभी एंटर नहीं हुआ, जिस दिन हूँगा उस दिन बात भी करूँगा। नहीं, आपने बड़े बड़े सियासतदानों को नाको चने चबवाए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, पीएमएल के खिलाफ केसेस तो वकील करेंगे ना। तो सब क्या आपको सियासी मंजरनामा क्या लगता है? आप बड़े तजिया निकाल दिए हैं, तजिया भी करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, तो कैसे देखते हैं पाकिस्तान का सियासी नजरिया? देखा है, मैं तो तजिया करता रहता हूँ, उसी में जो है देखिए बेहतर होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए बेहतरी। बेहतरी क्या है सर? बेहतरी ये है कि आइन और कानून के मुताबिक मामला हल हों, आगे जो है आइन के ऊपर अमल दरामद ना होने से बहुत नुकसान हुआ है, आपने देखा है इस चीज़ को। देखिए मुल्कों में मामला आते हैं, उनको लोगों ने ठीक करना है, मुल्क लोग ही बचाते हैं जिनका वो मुल्क हो, तो उम्मीद करते हैं कि जो साहबान बैठे पहले इकतदार हैं जो, वो सोचेंगे, और आवाम को की बहुत बुरी हाल है इस वक्त, महंगाई में बहुत ज़्यादा इशू है, आम जो गरीब तबका है, तनख्वाहदार तबका है, आप सब लोग जो है वो महंगाई से जो है इफ़ेक्ट हो। सर आप इस पे कुछ करने के, आप कानूनी माहिर हैं, तो असम्बली तोड़ने का वक्त से पहले फैसला किया, पहले यही हुकूमत जो थी पीटीआई की असम्बली तोड़ने के खिलाफ थी, अब खुद जो है वो असम्बली वक्त से पहले तहलील कर रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं इस बात? वो आई थिंक वो 90 डेज़ का टाइम गेन करना चाहते हैं, अब मेरा ख्याल में सियासी मामला है तो सियासतदानों को हल करना चाहिए, और वो अगर पहले कर सकें तो कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश तो है, लेकिन बदनीति की बुनियाद पर अगर वो 30 दिन आगे इलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक तो सियासी फैसला है ना। चौधरी साहब 30 दिन में पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हुए थे 3 माह में, तो अगर ये फेडरल गवर्नमेंट असेंबली डिसॉल्व करती है तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन करवा देंगे या ये वही रफेज बरकरार रहेगी? बस ये एक ऐसा राज है जिस पे अभी बात नहीं खुलेगा, इस पे पर्दा रहने दो। शुक्रिया, थैंक यू जैसा। बस सर मैं इनाम देखे मैं बगैर मैं साहब कैसे देख